वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया, स्वागत है आपका। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट द मास्टर क्लास जो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई। द ऑफर वाज टिल 16th बट इट हैज बीन एक्सटेंडेड। सो ये वाला जो प्रोफेसर वाला ऑफर है 3499 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 18 बिकॉज आई एम स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई 7 AM। सो प्लीज बी देयर। अब इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है आप लोगों के मन में, तो आई थॉट के चलो यार एक वीडियो बना देता हूँ सो दैट यू आर क्लियर एंड ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। मिलते हैं अपन लोग थर्सडे को विद फुल होश एंड जोश। अब आ जाते हैं ये डिस्कशन के ऊपर दैट व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी देयर। सो एएफएम स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई। सबसे पहले सर ये 100 आवर्स का बैच क्यों बनाया, इतना लिमिटेड आवर्स का? द रीजन इज दैट व्हाट आई हैव सीन इज कई बार स्टूडेंट लोग लेते हैं 160 आवर्स, 180, 200 आवर्स का, बट देख पाते हैं टोटल 100 आवर्स का ही कंटेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना 100 आवर्स का ही कंटेंट देखना है आपको, तो उसी में सारा का सारा इंपैक्ट दे दूं। सेकंड थिंग वाज व्हेन यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स व्हिच यू शुड गिव, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तब आपके पास अगेन लिमिटेड टाइम होता है बिकॉज लेक्चर देखने के साथ साथ आपको एट द सेम टाइम रिविजन भी करना है। सो देयर अगेन दिस लिमिटेड आवर बैच विल बी वेरी यूजफुल। बट सर मैंने तो AFM कभी पढ़ा नहीं है, या अगर पढ़ा है तो 100 आवर्स में आप बराबर से कंप्लीट कर लोगे क्या? एंड क्या मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लूं आपका ये जो 160 आवर्स का है? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड राइट अवे। प्लस मैंने आप लोगों के लिए एक स्केड्यूल भी बनाया हुआ है कि भाई मैं कब कब कौन से लेक्चर्स कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करने वाला हूं, सो वो भी एक आइडिया आप लोगों को दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स बहुत सही तरीके से बनाई हुई हो। एंड लेट मी टेल यू माय ऑप्टिमाइज्ड 2.0 एडिशन विद मैजिक बुक इज मेड एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, बुक्स के ऊपर वैसे मैं वीडियो बना चुका हूं और भी एक बना दूंगा, एंड आप लोगों को बुक्स के कुछ डेमो पेजेस एंड चैप्टर्स भी शेयर कर दूंगा। यू आर गोइंग टू लव इट। बहुत सारी कुछ नई नई चीजें मैंने ली है। IBS के लिए मैंने कुछ एक उसके लिए स्टडी मेंटर बनाया, फिर बाद में हर एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट ले लिया है सो दैट कॉन्सेप्ट देख के इमीडिएटली वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कनेक्ट हो जाए। सो काफी सारी स्मॉल स्मॉल थिंग्स का ध्यान रखा है। मेरे बुक में मैंने मैथमेटिकल शॉर्टकट्स कैसे यूज करना है कैलकुलेटर पे विच इंक्रीजेस द स्पीड इन एग्जाम, वो सब चीजें भी इंक्लूड की है बुक्स में। सो जस्ट कीप रीडिंग, यू विल गेट द बेस्ट व्हेन यू गेट इट। सेकेंड इज दैट दिस बैच इज गोइंग टू बी लाइव एट होम 100% रिकॉर्डेड, 100% रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलेगा। तो आपने अगर लाइव बैच लिया है तो आपको 100% बैकअप तो भी मिलेगा, एंड अगर आप गूगल ड्राइव हो टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट इट, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? सो पूरा 100% अपन लाइव करने की कोशिश करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज डन इन क्लास इटसेल्फ, एंड आप लोगों का एक फ्लो में एक डिसिप्लिन के साथ चीज हो जाए। अगेन अनदर रीजन व्हाई मैंने ये मास्टर क्लास लॉन्च किया, अगर आप डिसिप्लिन हो एंड अगर आपके पास टाइम है देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड वन, नो प्रॉब्लम्स। बट नेक्स्ट इज सर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड सम सॉल्विंग का क्या? सर क्या आप सारा कॉन्सेप्ट करवाओगे या कम आवर्स है तो कम कॉन्सेप्ट? नहीं, सी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको पहले भी बोला है दैट आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज इवन अ सिंगल कॉन्सेप्ट हाउसोएवर लेस द नंबर ऑफ आवर्स आर मोर द नंबर ऑफ आवर्स आर। तो कॉन्सेप्ट वाइज टोटल कवरेज होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मेरे से एक्सटेंड जितना होगा मैं क्लास में ही उसका सम सॉल्विंग करवाता हूं। और आप मेरे यूट्यूब के वीडियोज देखो AFM रिलेटेड, यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स आर डन, राइट? तो सम सॉल्विंग भी करेंगे बट एट द सेम टाइम बिकॉज लिमिटेड आवर्स बैच है तो आपको एट द सेम टाइम मैं होमवर्क भी दूंगा विच विल बी एक्सपेक्टेड टू बी डन इन द एंड बाय द एंड ऑफ द डे, सो दैट नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब मिले तो जो भी डाउट सेशन है वो साथ साथ में ही सॉल्व हो जाए। सो द बेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लाइव बैच इज दैट होमवर्क भी साथ में हो जाएगा एंड आप लोगों का डाउट सॉल्विंग भी, एक तो ऑन द स्पॉट अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हो तो डाउट आया तो सॉल्व, या फिर होमवर्क का कोई डाउट हुआ तो भी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी एबल टू डू इट। 30 मार्क्स इज MCQ, सो 30% इन एनी पेपर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो MCQ ड्यूरिंग द कोर्स में आपको बताऊंगा, प्लस MCQ के लिए आप लोगों के स्पेशल टेस्ट डिजाइन हो रहे हैं विच आई विल बी कंडक्टिंग ऑन माई वेबसाइट एंड दैट विल ऑल्सो बी गिवन टू यू, सो वो चीज भी बन रही है। प्लस ट्राई करेंगे कि 2 से 3 चैप्टर होते ही अपन एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी ले ले एंड उसको अपन लोग टेस्ट चेकिंग पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करें, बिकॉज इस बार AFM का पेपर बहुत इजी था एंड
काफी सारे स्टूडेंट्स को 75+ आए हैं, मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे ही काफी सारे स्टूडेंट्स को 75-80+ आए हैं। तो इफ दैट इज द सिनारियो, तो एक या तो पेपर शायद थोड़ा चैलेंजिंग आ सकता है नेक्स्ट टाइम, या अगर वापस से सेम पेपर रिपीट होता है तो लेट्स मेक AFM सो स्ट्रॉन्ग कि मेरा बाकी पूरा ग्रुप उसी के बदौलत निकल जाए, राइट। नेक्स्ट, डाउट सॉल्विंग मैंने आप लोगों को बोल दिया क्लास में ही करेंगे तो अपना हो जाएगा, प्लस नाउ होमवर्क का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आगे कर सकते हैं। सर 45 डेज में आप कैसे कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं? तो उसके लिए मैंने एक टेंटेटिव स्केड्यूल बनाया। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ चैप्टर जल्दी भी हो जाएंगे, कुछ को शायद टाइम भी लग जाए, डिपेंडिंग ऑन माई स्पीड एंड योर अंडरस्टैंडेबिलिटी, बट ओवरऑल मैंने ये सिस्टम डाला है, ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने एक बनाया है, मतलब मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो जो टीचिंग का मैंने जितना AFM पढ़ा है उस सबसे मेरे को लग रहा है इतना टाइम लगेगा। एंड मैंने फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो, ये सबको ज्यादा टाइम दिया है बिकॉज आई नो दीज चैप्टर्स विल कम फॉर गुड मार्क्स, यार इसको अंडरस्टैंडिंग को टाइम लगता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे मर्जर्स एक्विजिशंस एडवांस कैपिटल बजटिंग ये भी अच्छा वेटेज रखते हैं, सो उस हिसाब से मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, राइट। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड बैच? आई टोल्ड यू कि अगर आप में देखने का डिसिप्लिन है, टाइम है आप लोगों के पास, थोड़ा चाहिए आपको सर ही क्लास में सारे के सारे सम सॉल्व करवा दे, देन यू कैन अप फॉर दैट एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अदरवाइज ये बैच भी आप लोगों के लिए सही है। सर मैं फर्स्ट टाइमर हूं तो भी ये बैच देख सकता हूँ क्या? द आंसर इज 101%, यस, विदाउट एनी टेंशन यू कैन डू दैट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी आप लोगों के मन में अगर कुछ है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू फॉर विद माई आंसर। बाकी तो लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो अपन लोग डिस्कशन करते ही रहेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं। ये जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड तक है, सो प्लीज एनरोल इट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव द सेशंस, ठीक है? दिस अटेम्प्ट ऑल्सो वी हैड सो मेनी स्टूडेंट सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स, आई थिंक नाउ इज योर टाइम टू डू दैट। ये एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए सीधा मेक और ब्रेक कर देगा, मतलब ये एक सब्जेक्ट की वजह से मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स का दोनों ग्रुप निकल गया है। Why can't you do that as well? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AFM बहुत पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है AFM आज से 1 साल 1.5 साल पहले, क्योंकि यूजुअली आप AFM का बहुत पहले लेक्चर्स ले लेते हो। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सो दैट लिमिटेड आवर्स में आपका पूरा रिकैप हो जाएगा एट अ क्विक लेवल, सो दैट विल ऑल्सो भी बेनिफिशियल। या फिर अगर आप भूल गए हो, टाइम हो गया है, देन मोस्ट वेलकम फॉर दिस बैच। मिलता है, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, आग लगा देंगे, जान लगा देंगे इन ऑर्डर टू एंश्योर द बेस्ट मार्क्स। थैंक यू। और आप देखो यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, मेरे डेमोज देखो, फील कॉन्फिडेंट, वाइब सेट कर लो और फिर लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। बाय। बट सर 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 कहाँ से एनरोल करना है? सो एनी फ्रेंचाइजी नियर बाय यू कैन गेट द बेस्ट ऑफर्स पॉसिबल, webik.in या फिर sankalpkansia.in पे यू कैन जस्ट कॉल अस एट 7676876877 एंड गेट द बेस्ट ऑफर्स पॉसिबल। सो आज हम बैच में AFM में मैक्सिमम मार्क्स दिलवा देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम AD, ठीक है? इन केस टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक द रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो, बट अच्छे लेवल पे 100 आवर्स में कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा।